हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का होस्ट नीरज गुप्ता आप लोग को इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बस देखिए कि वीडियो में ऑलरेडी मैंने आप लोग को सेल डिवीजन निशन सेल अप्रोसेस एक्यूज के बारे में एक्सप्लेन करके दिया था, और मैं एक बार बता के देता हूँ क्या क्या एक्सप्लेन करके दिया था आपको मैंने। सेल डिवीजन्स एंड निशन लाइफ प्रोसेस एक्यूज के बारे में बता के दिया था आपको मैंने। ओके, एंडोडर मिटोसिस, मिटोसिस में जो आपका क्रोमोसोम क्या क्या प्रेजेंट आता है क्यों मैं बता के दिया था। अपोडक्शन आपका पी आर में रहेगा, वेंटिलेटर सेंट्रोमियर, इसके बाद आपका ये रहेगा क्यू आर, इसके बाद आपका जो फोल्डिंग टाइप का उसे आप डीएनए कहते हो। मीन डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड टू बी कंटिन्यू मिटोसिस एंड प्रोफेज एंड मेटाफेज बिकॉज जस्ट लाइक बोथ आर एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर वीडियो। आई मीन टू से लेक्चर फिफ्थ। ओके, प्रोफेज में आप लोग क्या देखा रहेगा मैं शॉर्ट फॉर्म में बता के देता हूँ वापस एक बार। शॉर्ट प्रोफेज में वो चीज़ आपको क्लियरली अच्छे से दिखता नहीं था, उसमें न्यूक्लियोइज मेम्ब्रेन एक्टिव प्रेजेंट होता था, लेकिन जब वो फिफ्थ स्टेज में पहुंचते थे, फिफ्थ स्टेज में पहुंचने के बाद वो चीज़ आपको एकदम क्लियर और अच्छे से विजिबल होने लगता था। ठीक है, और न्यूक्लियस जो था न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो जाता था प्रोफेज के लास्ट स्टेज में, फिफ्थ स्टेज में। मेटाफेज में ऑलरेडी पहले से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहता है, मतलब वो चीज़ डिसअपियर रहता है, उसकी वजह से वो चीज़ आपको एकदम क्लियरली दिखाई देता है। क्या क्लियरली दिखाई देता है, बिकॉज लाइक भी क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स रहेगा क्यूज के अंदर जो प्रेजेंट रहता है उस चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है। ओके, कंटिन्यू टू डी लेटर सिस्टर पेरोसिटी एनाफेज। फर्स्ट वन, इन एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड देर वर सिस्टर कॉम्यूटेट्स ऑफ इच क्रोमोसोम्स। इन एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट देर वर सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ इच क्रोमोसोम सेपरेट एंड देर आर पुल्ड अपार्ट अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर। एक्चुअली किसके स्पिंडल फाइबर की सहायता से वो चीज़ अपोजिट पोज होता था, मतलब ऊपर से नीचे इसका उल्टा हो जाता था। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम्स। तो सेपरेटेड में जो अलग कर दिया जाता था, जब उसका उसका जो सेल का उसको अलग डिवाइड कर दिया जाता था, अलग अलग भागों में कन कर दिया जाता है, मतलब डिवीजन कर दिया जाता था। एक्चुअली उसके बाद जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटोड्स रहेगा उसे आप क्या कहोगे, डॉटर क्रोमोसोम्स। क्या कहोगे, डॉटर क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स बींग पुल्ड अपीयर द बंच ऑफ द बनानास। तो क्रोमोसोम्स है बींग पुल्ड अपीयर, जो पुल्ड करते हैं क्योंकि किसके तरह दिखता है, बंच ऑफ बनानास, बनाना क्या बंच जैसा। दिस वे इट सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स रीच एट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। इन दिस वे, मतलब एक्चुअली इस रास्ते में इस तरीका जो टेक्निक एक्चुअली उसमें आपका हो जाता है, सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स रीच एंड टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। जो पहुंचने के लिए दो अपोजिट पोल्स की जरूरत होती है क्योंकि ओके, तो एक्चुअली चाहिए दो चीज़ आपको मैं डायग्राम बता के देता हूँ। डायग्राम में चाहिए दो चीज़ आप देख सकते हो, देखिए एनाफेज का डायग्राम देखो, इधर से देखिए अपोजिट पोल्स लुक लाइक, देख रहे हो, देखो ऐसा इसका अपोजिट, उसका अपोजिट पोल्स में रहेगा, और इस चीज़ दो भागों में वो चीज़ हो रहा है और चीज़ अलग कर दिया जा रहा है, उसको डिवीजन किया गया चीज़ की वजह से। ओके, सेलेक्ट टू क्रोमेटिड सेल्स या सिस्टर क्रोमेटिड सेल्स आल्सो कॉल्ड डॉटर सेल्स या डॉटर क्रोमोसोम्स। ओके, चीज़ की वजह से ये चीज़ जो देख रहे हो, चीज़ आपका अपोजिट पोल्स में होता है। क्या होता है, अपोजिट पोल्स में, और इसमें थिन और थ्रेड लाइक ये चीज़ भी प्रेजेंट है इसमें एनाफेज में। ओके, तो भी कंटिन्यू क्यों, अभी आप क्या देखोगे, टेलोफेज। टेलोफेज द क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड अपोजिट पोल्स। क्रोमोसोम जो रहता है वो चीज़ अपोजिट पोल्स में पहुंचता है अदर सेल नाउ, तो दी कोस के हिसाब से स्टार्ट डिकंडेंस ड्यू टू विच दे आर अगेन बिकम थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल। क्या रहता है एक्चुअली वो चीज स्टार्ट डिकंडेंस, डिकंडेंस होता है उसके अंदर ड्यू टू विच दे अगेन वापस, एक्चुअली उसमें क्या होता है वापस से थ्रेड लाइक थिन चीज इनविजिबल होता है, मतलब वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड इस सेट ऑफ द क्रोमोसोम लुक लाइक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली इसमें फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा है आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे प्रोटेक्टिंग कवरिंग, बिकॉज जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे इट्स जैसे प्रेजेंट सेंटर इज देयर, इट्स प्रोटेक्टिंग आर कवरिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। विच वे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड इस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच्ड एट पोल्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो फॉर्म होता है अराउंड, मतलब लगभग उसमें इससे जो एक करके जो कि करके क्रोमोसोम्स रहेगा रीच पहुँचने के लिए, पोल तक पहुँचने के लिए, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो फॉर्म करता है एक एक क्रोमोसोम पहुँचने के लिए वो चीज़ जरूरत पड़ती है। दिस टू डॉटर्स न्यूक्लियर फॉर्म्ड सेल, जो दो डॉटर सेल्स है जो फॉर्म करते हैं न्यूक्लियर, जो फॉर्म करते हैं वो चीज़ सेल बनता है आपका। न्यूक्लियस ऑल्सो अपियर इन डॉटर्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस चीज़ में डिसअपियर नहीं होता, चीज़ अपियर ही रहता है, वो चीज़ आपको दिखाई देता है इसमें। स्पाइंडल फाइबर कम्प्लीटली बाय डिसअपियर, एक्चुअली इसके अंदर जो होता है स्पाइंडल फाइबर डिसअपियर होता है। एक्चुअली उसके पहले का जो था आपका कौन सा एनाफेस, एनाफेस में चीज़ स्पाइंडल फाइबर की सहायता से वो चीज़ काम किया जाता था टू डॉटर सेल्स का, लेकिन बट एक्चुअली इसके अंदर क्या रहता है अपियर न्यूक्लियस ऑल्सो अपियर, मतलब न्यूक्लियस ऑल्सो अपियर इन इज डॉटर न्यूक्लियस,
डॉटर न्यूक्लियस के अंदर एक चीज आपको एकदम अच्छे से दिखाई देता है, बट स्पाइंडल फाइबर आल्सो इट्स ए डिसअपियर। ओके, इन दिस वे क्रायोजेनेसिस एग्जांपल एंड काइटोजेनेसिस, क्रायोजेनेसिस एग्जांपल एंड साइटोजेनेसिस बिगिन। साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय क्रायोजेनेसिस एंड टू न्यू सेल्स। तो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मींस साइटोजेनेसिस बाय इसके थ्रू द्वारा, एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, मतलब कि वो दो मतलब टू नया सेल बनाता है, मेक फॉर्म करते हैं, विच आर कॉल्ड ए डॉटर्स सेल्स। एक्चुअली हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स कहते हैं। इन दिस प्रोसेस मज इज फॉर्म्ड एन इक्वेटोरियल प्लेन, जैसे नहीं इक्वेटोरियल बिकॉज आप लोगों ने ज्योग्राफी में देखा रहेगा एक्चुअली ऐसा इक्वेटोरियल टाइप का रहेगा, एक्चुअली बीच में भी सी मतलब रेख जैसे गुजर के जाती है या टच करके जाती है, उसे आप कह सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, कॉल्ड ए डॉटर लाइक दिस प्रोसेस नॉट इन फॉर्मिंग इक्वेटोरियल प्लेन ऑन द सेल्स विच डिपेंड्स ग्रेजुअली, ग्रेजुअली जैसे स्लोली बाय स्लोली, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली बाय स्लोली धीरे धीरे वो चीज़ होता है, एंड देयर बाय टू न्यू सेल्स आर फॉर्म, क्योंकि इसके बाद दो नया सेल तैयार हो जाता है। हाउ एवर कैसे भी करके, इन केस ऑफ प्लांट सेल इंस्टीट ऑफ द नॉट्स सेल प्लेट इज फॉर्म एग्जैक्टली अलॉन्ग मिड लाइन ऑफ द सेल। हाउ एवर इन केस ऑफ द प्लांट सेल इंस्टीट ऑफ नॉट्स, सेल इंस्टीट ऑफ नॉट्स मतलब क्यों उस चीज़ का ऊपर का भाग, सेल प्लेट इज फॉर्म एग्जैक्टली अलॉन्ग मिड लाइन ऑफ द सेल, मीन अलॉन्ग मिड लाइन सेल, यू कैन वॉच हेयर अलॉन्ग देख रहे हो मिड लाइन ऑफ द सेल का चीज़ आपका साइटोजेनेसिस हो रहा है, मतलब जो चीज़ दो अलग अलग भागों में मतलब डिवाइड कर दिया जाता है, वो चीज़ आप साइटोजेनेसिस कर सकते हो। ओके, इसलिए दस साइटोजेनेसिस इज कम्प्लीटली, एक्चुअली इसके बाद जो आपका साइटोजेनेसिस होता है वो चीज़ कम्प्लीट हो जाता है। टू बी कंटिन्यू, मिटोसिस इज सिंथेसिस टू ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जो मिटोसिस है सिमिलरली क्रोमोसोम्स सिंथेसिस टू ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है मिटोसिस। बिसाइड्स वॉट, बिसाइड मतलब एक्चुअली उसके अलावा इसके अतिरिक्त भी, इट इज नेसेसरी टू रिस्टोरेशन ऑफ द इमिसेटरी बॉडी, वॉट इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इंसिएटेड बॉडी बाउंड हीलिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल एक्सेट्रा, इट इज नेसेसरी। इसमें क्या जरूरी होता है, अभी किधर आपको चोट लग गई, जख्म लग गया या ब्लड निकल रहा है, कि उसके लिए उस चीज़ की मिटोसिस की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत जरूरत होता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, एक्चुअली उस चीज़ का आप टेलोफेज का भी डायग्राम देख सकते हो, देखिए एक्चुअली उसके अंदर इसमें सब गायब हो जाता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस डिसअपियर नहीं होता, इसमें अपीयर रहता है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो टेलोफेज के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियस जो रहेगा एक्चुअली उसके अंदर डिसअपियर नहीं होगा, अपीयर ही रहेगा, बट स्पाइनल फाइबर आप वो चीज़ आपका क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ये सब में डिफरेंस है, एक्चुअली वापस मैं एक बार थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके देता हूँ। प्रोफेस में देखो आपका एक्चुअली इसकी तरह दिखा, देन दिस लाइक दैट, देन दिस लाइक दैट, देन दिस लाइक, बाद में वो चीज़ आपका इसमें न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, फिफ्थ स्टेज में जब जाएगा प्रोफेस का न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, वो चीज़ आपको थोड़ा बहुत दिखेगा बट क्लियरली नॉट सीन। लेकिन जो मेटाफेस में आपको न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन रहता है वो चीज़ ऑलरेडी पहले से डिसअपियर हो जाता है, इसलिए वो चीज़ आपको क्रोमोसोम जो प्रेजेंट रहेगा वो चीज़ आप अच्छे से देख सकते हो। जो एनाफेस है, एनाफेस में कह रहा है उसमें टू अपोजिट पोल्स रहता है, क्या रहता है, टू अपोजिट पोल्स, बस इक्वेटोरियल प्लेन रहेगी, दो भी अपोजिट पोल के साथ वो चीज़ अपने आपको अरेंज कर सकते हैं। इस प्रकार मेटाफेस में मैं आपको बता के दिया, तो चीज़ अपने आपको अरेंज कर लेते हैं एक्चुअली उसके तरह ही। मेटाफेस में कैसे अरेंज होता है, इक्वेटोरियल प्लेन के हिसाब से, देखो बीच में मैंने जो आप ऑलरेडी आप लोगों को बता के दिया था, ठीक है। जो टेलोफेज है, टेलोफेज में क्या होता है दोस्तों, टेलोफेज में क्या रहेगा, टेलोफेज में वो चीज़ आपका न्यूक्लियस जो रहेगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, वो चीज़ आपका डिसअपियर नहीं होता बट की वो चीज़ अपीयर ही रहता है, बट लेकिन जो आपके जो इसके अंदर डिसअपियर होके वो चीज़ अपीयर हुआ, डिसअपियर नहीं हुआ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, बट आपके अंदर जो स्पाइनल, इसके अंदर जो स्पाइनल फाइबर आता है, स्पाइनल फाइबर ये चीज़ इसके अंदर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ओके, टू बी कंटिन्यू, मियोसिस कम्प्लीटली थ्रू टू स्टेज, जो अभी आपने मिटोसिस का देखा, मिटोसिस में देखिए मियोसिस कम्प्लीट थ्रू टू स्टेज, उसके द्वारा जो मियोसिस है एक्चुअली उसके अंदर दो स्टेप रहता है कम्प्लीट करने के लिए, दिस टू स्टेज आर का मियोसिस भाग फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, एक्चुअली जो दो स्टेट है मियोसिस का, इसमें एक कम्प्लीट भाग में पार्ट फर्स्ट है पार्ट सेकेंड है। ओके, ये कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन होमोलोजियस, होमोलोजियस मीन जस्ट लाइक इट इज सिमिलरली, इट्स कॉल्ड होमोलोजियस क्रोमोजोम्स, एंड देयर आफ्टर दोज होमोलोजियस क्रोमोजोम्स, एक्चुअली उसके बाद जो बचा हुआ जो क्रोमोसोम्स है नॉट सिस्टर क्रोमेटिड्स, उसमें आपका जो था मिटोसिस उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स था, बट जो मियोसिस है एक्चुअली उसके अंदर क्या रहता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, दस टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स दस टू हैप्लॉइड सेल्स आर, मतलब दो हैप्लॉइड सेल्स बनाने के काम करते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपका क्या होता है, मियोसिस। डायग्राम आप देख सकते हो सब चीज़ का, इसमें दो दो सेल बना रहेगा, प्रोफेज का, मेटाफेज का, एनाफेज का, टेलोफेज का, सबका इन्होंने ये चीज़ दो दो पार्ट बनाता है, इसलिए इनको नाम दिया गया है जो आपका मियोसिस है। मियोसिस के अंदर क्या होता है, वो चीज़ आपका
जो रहे मेरा फास्ट जो मेटाफेज अभी एक्टिव वैसे ही किसके दुखे आपका म्यूसिस। म्यूसिस में दो पार्ट्स होता है, पार्ट फर्स्ट होता है, पार्ट सेकंड होता है। म्यूसिस में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द होमोलोजियस क्रोमोसोम, देयर अपॉन टू जस्ट लाइक होमोलोजियस क्रोमोसोम। होमोलोजियस क्रोमोसोम मीन्स जस्ट लाइक इट्स सॉरी सिमिलरिटी ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, दो होमोलोजियस क्रोमोसोम्स नॉट सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो इसमें समझ लो सब में जो होमोलोजियस क्रोमोसोम थे उसमें नॉट सिस्टर क्रोमेटिड्स। मेटोसिस में क्या होता है? उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स रहता है, बट जो मियोसिस पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में रहेगा तो उसके अंदर आपका नो सिस्टर क्रोमेटिड्स रहता है। आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, टू हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है और उसमें दो हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म करते हैं। बिकॉज यू कैन सी सबका जो प्रोफेज का भी दो भाग है, मेटाफेज का दो भागों में डिवाइड किया गया, एनाफेज का दो भागों में डिवाइड किया गया, टेलीफेज में दो भागों में डिवाइड किया है। ओके, एक्चुअली बस इसमें यही डिफरेंस है, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट रहता है मिटोसिस में, प्लस जो मियोसिस रहता है एक्चुअली उसके अंदर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक्चुअली उसके अंदर नॉट सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट बट विदाउट हाउ मीन्स उसमें दो होमोलोजस क्रोमोसोम्स के द्वारा, बट एक्चुअली इसके अंदर जो टू ग्रुप्स डिवाइड किया जाता है, दो भागों में जो डिवाइड कर रहे हैं उसमें टू हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, ये चीज़ किस में रहता है? आपका मियोसिस में रहता है, मियोसिस पार्ट सेकेंड जो आपका इसमें दिया है, ये भी चीज़ आप देख सकते हो। मियोसिस सेकेंड जस्ट लाइक ए मिटोसिस इन दिस स्टेज, मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक दिस मिटोसिस, मिटोसिस के जैसा ही होता है जो मियोसिस है, बट इन दिस स्टेज द टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म इन द मियोसिस। इसमें क्या होता है? मियोसिस जो फर्स्ट मियोसिस में टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होता है, क्या होता है? टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, फॉर्म होता है सॉरी बनाया जाता है। अंडरगो डिवीजन बाय सप्रेशन एंड रिकॉम्बिनेंट सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट फोर हैप्लॉइड डॉटर इन द सेल्स आर फॉर्म। क्या होता है इसमें? अंडरगो डिवीजन बाय सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बाइंड रिकॉम्बिनेंट सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इस बाद इसमें चार डॉटर सेल्स और फॉर्म होते हैं। प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन, विपणन एक्चुअली प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट आपको पता रहेगा मेल फीमेल टू फॉर्म ऑफ गैमेट्स एंड स्पोर फॉर्मेशन अकर बाय मियोसिस, अकर बाय फिर मियोसिस होता है। ठीक है, जस्ट लाइक बाय थ्रू ऑफ गैमेट दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन फोर हैप्लॉइड एंड इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। एक्चुअली इस टाइप से के जो सेल डिवीजन रहता है एक्चुअली उसके अंदर फोर हैप्लॉइड एन रहता है, यानी मतलब फोर हैप्लॉइड टोटल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन डिप्लॉइड टू एन, फ्रॉम एक्चुअली वन डिप्लॉइड सेल्स ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन दी होमोलोजियस क्रोमोसोम। एक्चुअली किसके उसके दौरान क्या होता है जो सेल डिवीजन जो रहेगा एक्चुअली उसमें क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन दी होमोलोजियस क्रोमोसोम्स, किसके द्वारा? जो सिमिलरली क्रोमोसोम्स रहते हैं एक्चुअली थोड़ा बहुत मैच खाते हैं एक्चुअली उसके द्वारा। देयर बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वर्ड देयर बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस अकर। जेनेटिक मतलब जो जीन्स के वायर थ्रू रहता है, जो पेरेंट्स रहते हैं पेरेंट्स एक्चुअली उनके थ्रू द्वारा उसे हम जेनेटिक कर सकते हैं। ड्यू टू दिस ऑल फोर डॉटर्स सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल्स एंड फ्रॉम इच अदर टू। ऑल द फोर डॉटर सेल्स आर जनरली जो फोर डॉटर सेल्स रहेगा जनरली में क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम ए पेरेंट। अगर पेरेंट्स डिफरेंट हो गए तो फ्रॉम इच अदर टू अलग, वो तो चीज़ मोर भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं एक्चुअली इसमें ऐसा रहता है। ओके, और एन रहेगा मतलब आपका टू डिप्लॉइड सेल्स और सॉरी एन रहेगा और टू एन रहेगा तो फोर डिप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, टू बी कंटिन्यू अपैरेटस कॉन्कव फ्लास्क ग्लास क्लाइड कवर स्लीव्स फोर स्लीव्स, ये चीज़ आपको सब दिया देख सकते हो। प्रोसीजर देखिए, मिनिमम साइज ऑफ ऑनियन, मीडियम मीडियम साइज का मतलब ऑनियन लो, ऐसा नहीं आपका स्मॉल लो बिग लो, मीडियम साइज का ऑनियन लेने का। कैप्टन कॉन्कव फ्लास्क उसको कॉन्कव फ्लास्क के अंदर रख दो, फिल्ड विद वाटर एक्चुअली उसके अंदर थोड़ा पानी डालो, सच भी दैट रूट्स ऑफ ऑनियन विल बी कॉन्टेक्ट विद वाटर, जो रूट्स रहेगा उसको पानी थोड़ा टच करके रखो। ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ ऑनियन फोर फाइव डेज, बाद में ऑब्जर्व करो रूट्स ऑफ ऑनियन चार पाँच दिन बाद एक्चुअली उसमें ऑब्जर्व करो देखो क्या होता है। कट द टिप्स ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, जो उसका जो रूट्स रहेगा क्यों उस चीज़ को आप कट करो। पुट देम इन वॉच ग्लास एक्चुअली उसके बाद उसको आप वॉच ग्लास में रखो। पुट सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन और कुछ आयोडीन का जो वॉच ग्लास पे कुछ आयोडीन रहेगा वन टू ड्रॉप्स उस चीज़ में डालो। टेक द वन ऑफ द रूट टिप ऑफ ग्लास व्हाट टेक वन ऑफ द रूट टिप इन द ग्लास प्लेस इट विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेस एट वन टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन केयरफुली प्लेसेस। वन टू ड्रॉप्स जो वाटर रहेगा जैसे आपने आयोडीन डाले एक्चुअली वैसे ही वन टू ड्रॉप्स वाटर वापस केयरफुली उसमें अच्छे से डालने का। ओके, तो कवर स्लीप जो ओवर इन सच वे दैट देर एयर विल नॉट बी ड्रॉप बिटवीन ट्यून एक्चुअली ऐसा डालो तो जो आप कवर स्लीप रखो ना जैसे आपका एक स्लाइड रहेगा जो आपने रूट लियो जो कट करने के बाद रूट का पार्ट जो कट किया आप ना जो कवर सॉरी स्लाइड पे जो लिया बाद में जो कवर स्लीप रखोगे ना एक्चुअली कवर स्लीप एक्चुअली ऐसा रखो उसमें अंदर एयर ट्रैप नहीं होना चाहिए। ओके,
ऑब्जेक्ट द प्रिपेयर्ड ग्लास स्लाइड अंडर दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जो स्लाइड जो रहेगा स्लाइड आप कैसे चेक करोगे, बिकॉज जस्ट इट्स जब कंपाउंड अंडर स्कोप ऑफ माइक्रोस्कोप. ओके, बीच फेसेस, व्हाट बीच फेस ऑफ द सेल डिवीजन डिड यू ऑब्जर्व. तो आप क्या उसमें क्या देखते हो, क्या आपको ऑब्जर्व मिलता है, इसके द फिगर, बिकॉज जस्ट यू कैन सी बफर डायग्राम्स. वेरियस फेसेस ऑफ सेल डिवीजन अकरिंग टू टिप्स ऑफ द ऑनियन. व्हाट वेरियस फेसेस ऑफ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के बहुत सारे वैरायटी अथवा बहुत सारे फेसेस थे, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे प्रकार भी रहेंगे. तो इन द फॉलोइंग वो चीज़ आप चाहिए तो अभी डायग्राम दे सकते हो. देखो जो रूट का एक्चुअल, जब आप कंपाउंड यूजिंग ऑफ अंडर माइक्रोस्कोप आप जब चेक करोगे देखोगे एक्चुअली उसको आपको इस प्रकार का आप सबको देखने को मिलेगा. ठीक है, इससे आप क्या कहते हो, फेसेस ऑफ मिटोसिस ऑन ईयर रूट टिप. क्या फेसेस ऑफ मिटोसिस, मिटोसिस है ये आपका ऑनियन रूट टिप. ऑनियन का जो जड़ होता है, रूट होता है, जो टिप रहेगा उसके द्वारा आपको वेटरनरी आइडिया मिलेगी. प्लस अगर एक्चुअली इससे अगर मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप जैसे लाइक यू कैन गो फॉर यूट्यूब या गूगल, देन यू कैन सी. ओके, और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको किसी कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो. ओके.